सोनभद्र से अरविंद तिवारी पत्रकार की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री का सोनभद्र आगमन, प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट करने की करेंगे अपील। सोनभद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 मार्च को कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। सोनभद्र की 4 विधानसभाओं को देखते हुए सभा का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सोनभद्र के लिए 12:50 पर सोनभद्र के चुट हेलीपैड पर पहुंचेंगे और 1 बजे से 1:40 तक करेंगे सभा को संबोधन और 1:50 पर सोनभद्र से गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। वही बात तैयारियों की बात करें तो युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और अधिकारी लगातार निरीक्षण करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। सोनभद्र में 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनभद्र पहुंचकर जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और सोनभद्र के 4 विधानसभा के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:50 पर सोनभद्र हेलीपैड पर पहुंचेंगे और 1:40 तक सभा को संबोधित करने के बाद 1:50 पर गाजीपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तैयारियां चल रही हैं और अधिकारी लगातार निरीक्षण करने के साथ आवश्यक दिशा निर्देश प्रधानमंत्री बात को सुनने के लिए इकट्ठा होगी। इसके साथ ही भाजपा नेताओं ने दावा किया कि सोनभद्र विधानसभा सीट भाजपा भारी बहुमत से जीतकर विधानसभा जाने का काम करेगी। हो रहा है इसको लेकर कितना उत्साह लोगों में देख रहे हैं और आपने पार्टी अभी नहीं ज्वाइन की है, किस हिसाब से देख रहे हैं इसको? माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमारे जनपद में आ रहे हैं और बड़ा उत्साह है लोगों में, क्योंकि हमने ये चीज देखा है कि मोदी जी को एक नेता ही नहीं, लोग भगवान के रूप में देखने लगे हैं और इतनी बड़ी जनसभा होने जा रही है कि जिसका अंदाजा पार्टी को और लोगों को भी नहीं होगा। क्या लगता है 2017 से भी बड़ी जनसभा होगी? 2017 को भूल जाइए, 2022 में एक नया युग आ रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वोट पड़ने के बाद ये समझ में आएगा कि क्या समाज में और लोगों में उत्साह है मोदी के प्रति। वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है? वर्तमान में भी देखिए कोई टक्कर नहीं है किसी पार्टी, लेकिन 5 साल का कार्य में कहीं न कहीं कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कसर रह जाता है जो लोकल स्तर पे विधायकों का विरोध होता है, लेकिन ये सब को भूल के फिर यहाँ पर 4 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देखिएगा आपके द्वारा क्या तैयारियां की गई है? हमारे द्वारा यही तैयारी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचे और माननीय मोदी जी को देखें सुने। इसे माना जाता है कि जैसे भाजपा में व्यापारियों के लिए बहुत कुछ नहीं रहा, GST वगैरह तमाम कानून मतलब आए, उसको लेकर व्यापारी कहीं ना कहीं मतलब अंदर से खफा थे। तो आप व्यापारी हैं, व्यापारी के नेता हैं, तो कितना ये मरहम लगा पाएंगे मोदी जी? देखिए चाहत बहुत कुछ होती है, ये पूरा देश, इस पूरे देश की व्यवस्था व्यापारी ही कर रहे हैं। व्यापारी समझ रहा है कि आज हमको अगर कहीं न कहीं से कोई छूट मिलती वो हम ही से लेके मिलती, तो हम लोग को कोई फर्क नहीं है, इसका कोई हम लोग को गम नहीं है।